नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, स्वागत, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले जानिए मौसमी का बाज़ार आज का क्या हाल है, और साथ में ये भाई बताएंगे मौसमी खाने के फ़ायदे भी। मौसमी एक, फ़ायदे अनेक। तो जानते हैं भाई से ही पहले के मौसमी का आज का क्या बाज़ार है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मौसमी भाई साहब, ये बीकानेर की मिठाई है। मिठाई इसके आगे मिठाई भी फेल है। जी जी जी, ये जो है चेहरे पे शाइनिंग लाती है। इसको खाने के बाद क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। ये भाई साहब जवानी ला देगी, जवानी 50 साल के आदमी को भी। जिसने इसको खा लिया 25 साल का लगेगा 50 साल वाला। ये तो भाई साहब मौसमी है। ये देसी घी है, देसी घी भी फेल है इसके आगे। भाई साहब ये सब तो बता दिया, अब इसका दाम बता दीजिए। इसका दाम दाम आपको लगाएंगे 350 रुपए का 5 किलो। कैमरा तो कर लो ऊपर। पीछे कहाँ से आ रही है ये? ये अभी आ रही है मंगू से। बहुत टॉप मौसमी है ये, मीठी है मीठी। हाँ जी, देसी घी फेल है इसके आगे। 50 साल वाला आदमी 25 साल का लगेगा। नौजवान मेरी तरह हो, किसी भी भाइयों को होलसेल में लेना हो। हाँ जी, आप अपना नंबर बताइए। 9599439243। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। वही ज़्यादा बिकता है भाइयों। अब बात करेंगे खरबूजे का, तो भाई साहब से जानते हैं कि खरबूजे का आज का क्या बाज़ार है, यही भाई साहब बताएंगे। तो भाई साहब, भाई साहब जरा बताइए खरबूजे का आज का क्या बाज़ार है। बताइए खरबूजे का रेट बता दीजिए। भाई साहब से जानते हैं खरबूजे का आज का क्या बाज़ार है, बताइए भाई। बाज़ार रहा 300 रुपये किलो का, मगर पब्लिक में पैसे नहीं है। 300 रुपये किलो का बढ़िया खरबूजे का, नॉर्मल खरबूजा चिल्ला 100 रुपये किलो। पब्लिक पैसे नहीं है, इसलिए अभी गर्मी रहा, अभी ऐसे रखा हमारा। रात के 3 बजे से खड़े, रात को लाए 2 बजे, फिर 3 बजे यहाँ पे आ गए, 1 घंटे सोए बस। ठीक किलो के भाई साहब, भाई साहब ये 300 रुपये की धड़ी है, धड़ी धड़ी है। जरा बताइए, बताइए आप खरबूजे के बारे में आप ही बता दीजिए, वो भाई साहब लगता है। हाँ बता दीजिए। नमस्कार सब सभी दर्शकों को। देखो जैसे कि ये खरबूजा है, ये मंगूर से आ रहा है अभी। ये 20 किलो की पोट होती है, ये पूरी होलसेल में पूरा ही बिकता है। ये मान लो आज का बाज़ार था इसका 900-1000 रुपये का 20 किलो का मार्केट, और आज थोड़ा सा डाउन था बाज़ार, इस वजह से बिका नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आज हम 3 बजे से वेट ही कर रहे हैं ग्राहक का। आज ग्राहक कम है, मार्केट डाउन है थोड़ा। बाकी खरबूजा बहुत मीठा है, मिठाई भी फेल है इसके आगे, बहुत मीठा खरबूजा है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों अब बात करेंगे संतरे का आज का क्या बाज़ार है, संतरे का क्या पोजीशन है, भाई साहब से बात करते हैं। ठीक है भाई साहब नमस्कार, ज़रा बताइए आज संतरे का क्या बाज़ार। संतरे का बाज़ार भाई जान है 20 रुपये से लेकर के 35 रुपये तक। 20 वाला कौन क्वालिटी है भाई साहब? 20 वाला वो आगे वाला है। अच्छा, और ये 35 वाला ही है। ये जो क्वालिटी है 35 वाला है। अच्छा जी, ये दाने का फ़र्क होता है क्या, साइज का? अच्छा अच्छा, जिसके दाने बड़े वो रेट बढ़े। ठीक, तो भाइयों ये था आज संतरे का, ये आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। 35 वाले का ये है, और ये जो बाज़ार इन्होंने बोला है ये 20 से 25 रुपये किलो का बाज़ार है। दोस्तों अब बात करेंगे कीनू की। वैसे तो मंडी से कीनू की फसल लगभग बगानों से भी ख़त्म हो गई है, और मंडी में भी लगभग ना के बराबर है, लेकिन भाई साहब हैं जो कीनू कुछ ना कुछ अभी भी ला रहे हैं। तो मंडी में सिर्फ और सिर्फ जो कीनू है वो इन्हीं के पास मौजूद है। तो जो कीनू का भाव है, पोजीशन है, ज़रा इन्हीं भाई से पूछ लेते हैं। भाई क्या पोजीशन है, क्या रेट है? इसका रेट है 42 रुपये किलो। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं कैमरा में, इसका जो रेट है वो 42 रुपये किलो का होलसेल रेट में बता रहा हूँ, बढ़िया दाना में। और जो पूरा खेल होता है दाने के साइज़ के ऊपर में, जो साइज़ बड़ा होता है वो उसके रेट चढ़े होंगे, और जो साइज़ में छोटी होगी उसके रेट कम होगी। तो यहाँ पे 42 रुपये से लेके 30 रुपये तक के किनू है ये जो है। तो ये था किनू का पोजीशन। ठीक है, अगर आप किनू के ख़रीदारी करना हो, कौन सा दुकान नंबर कितना है ये?
दुकान नंबर 50 ओखला मंडी में डायरेक्टली आके संपर्क कर सकते हैं इस भाई साहब से। दोस्तों अब बात करेंगे अमरूद की, तो ये जो अमरूद है, अमरूद का जो आज का बाजार भाव है 550 रुपये का कैरेट है। वजन 25 किलो आ रही है। ये पीछे सवाई माधोपुर वाली अमरूद चल रही है। दोस्तों अब बात करेंगे खरबूजे का बाजार का पोजीशन। भाई साहब अब संतरे के बाद अब खरबूजे के साथ आ गए हैं, तो जरा भाई साहब से ही जानते हैं आज का बाजार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या है? आज खरबूजे का रेट खुला है 40 रुपये किलो। अच्छा। एक नंबर। अच्छा। और दो नंबर खुला है 30 रुपये किलो। अच्छा। तीन नंबर खुला है 20 रुपये किलो। अच्छा। ओखला मंडी एक बार अपना नंबर बता दीजिए दर्शकों। हमारा नंबर है 98-990-77-871। किसी को थोक चाहिए हो तो ओखला मंडी शॉप नंबर 50 पे आओ। ये थोक के भाव में खरबूजे के आज के, तरबूज के भाव में 20 रुपये किलो के। दोस्तों अब बात करते हैं अंगूर का, थोड़ा सा आज अंगूर का मार्केट का पोजीशन लेते हैं। ये पहले आपको अंगूर दिखा देता हूँ, ये रहा अंगूर, और इनके पास एक अंगूर की क्वालिटी ये है, और ये है संतरा। तो अब जानते हैं मुंशी जी से कि आज का क्या बाजार है, क्या पोजीशन है। मुंशी जी नमस्कार, जरा बताइए क्या है बाजार का आज का पोजीशन? बाजार तो अब डाउन हो गई है, कम हो गया पोजीशन। दो दिन बड़ी महंगी थी लेकिन अब डाउन हो गया। अब अंगूर बिक रहा है 900-1100। वजन 20 किलो है पेटी में। गोल वाली तो है 1000 की, लंबी वाली है 1200 रुपये की वो, और ये संतरे है 50 रुपये किलो। आज दो गाड़ी आई है अंगूर में, ज़्यादा तो है नहीं। एक इधर है एक वो सामने लगे, दो ही गाड़ी है खाजी जी के पास। संतरा नहीं आज मंडी में, लूज है संतरा। कल का माल बैलेंस वाला है। हाँ बैलेंस माल ही चल रहा है, नया संतरा नहीं आया जी। ठीक है, ये थे मुंशी जी जिन्होंने हमें अंगूर और संतरे का अच्छी तरीके से पोजीशन दिया। आप जानते हैं दूसरे फलों का पोजीशन। दोस्तों अब बात करेंगे जो IBR अमरूद है, ये IBR अमरूद की आप बात करेंगे कि इसका आज का बाज़ार का क्या भाव है, क्या पोजीशन है। साथ में बात करेंगे आम का। ज़रा भाई साहब साइड हो जाइए ना, ये आम है। ये कौन सी आम है भाई? हमाम। दोस्तों हमाम आम की जो खासियत है, ये अपनी खुशबू इसकी ऐसी है कि एक बार हलक में चढ़े तो एक हफ्ते तक टिके रहे। भारत का सबसे खूबसूरत आमों में शुमार है ये हमाम। अब भाई साहब ये तो हमाम हुआ, बगल में वो कौन सा है? और सफ़ेदा। और इनके पास अमरूद, अमरूद ये रमजानी तोहफा के नाम से मशरूफ। तो अब जानते हैं इसका बाजार का क्या पोजीशन है। बता भाई साहब अमरूद का क्या पोजीशन है आज का? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो का पोजीशन है। और आम का क्या पोजीशन है? 800 का डब्बा। हमाम 800 का डब्बा है। हमाम 2000 का डब्बा है। सफेदा है जो जी जी, और सफेदा जो है वो 800 रुपये का डब्बा है। पेट्रोल और डीजल की वजह से इतने रेट हो जाते हैं। जरा बताइए बताइए जरा आज बताइए आज जो मंडी में महंगाई हुई है उसका कारण डीजल और पेट्रोल है। जो 115 रुपये और 120 रुपये पेट्रोल पहुँच रहा है और 100 रुपये डीजल पहुँच रहा है, जिसके कारण जो हमारी गाड़ी 80,000 रुपये का भाड़ा आया करता था वो आज 120,000 रुपये में भाड़ा आता है। तरबूज की पोजीशन कल तक की ये थी कि कल तक मंडी में 17 और 18 रुपये का बिक रहा था, और आज मंडी के अंदर 22 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का तरबूज बिक रहा है। गाड़ी मतलब जो यहाँ फुटकर में जो बेचते हैं, तो भाड़े से इतना फ़र्क पड़ा है कि हर चीज़ पर इतनी महंगाई हो गई है। अंगूर की क्रेट जो कल तक 1000 रुपये 600 रुपये 800 रुपये की आती थी, आज 1400 रुपये की बिक रही है। तो मंडी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, और उसका कारण सिर्फ यही है
के डीजल और पेट्रोल। किसानों का कुछ फायदा हो रहा है किसी ना व्यापारियों का, सिर्फ इतना बुरा हाल है कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर सरकार से मेरी यही अपील है कि अपना जो बेड जो इन्होंने 100 रुपये के पेट्रोल पे, डीजल और पेट्रोल पे जो लगा रखा है 45 रुपये, अगर उसमें से कुछ कम कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि इस सरकार से लोगों को राहत मिले और मंडी में भी और हमें आम जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे तो अपने आप ही इन सारी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचती हो तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि वो कुछ इसके बारे में सोचें। पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहा है, इससे आगे और काफ़ी महंगाई होने की पूरी संभावना है। धन्यवाद, ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं भाई साहब, आम लोग त्रस्त हैं महंगाई से, ज़रूर जो कोई भी सुनते हो दाम कम किया जाए ताकि लोगों को राहत हो। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। आप भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।